अभी एसी चल रहा है 19 डिग्री सेल्सियस पे और ये एक साउंड कर रहा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। साउंड है ये सुन रहे हो साउंड, ये पता नहीं क्यों कर रहा है, तो इसकी सर्विस करानी पड़ेगी मुझे अब। ये देखो इंडिया में क्लीनिंग कैसे होती है, रोड होती है बहुत पीछे, इंडिया बहुत पीछे अभी। तो ये हो गया हमारी एसी की सर्विस, ये इन्वर्टर है ना भैया, इन्वर्टर फिटिंग हो रही है। फुल गंदा ये निकल गई, फुल बहुत गंदा निकला है। ये अंकल हमारे इलेक्ट्रिशियन है और एसी खोल के यहाँ पर लगा दिया, अभी पूरा मस्त साफ हो गया। अभी सर्विस अच्छी की है, सर्विस अच्छी करी ना अंकल, सर्विस अच्छी की है तो लाइक करना। हाँ हमारे लोकल इलेक्ट्रिशियन है, हो गया भाई सर्विस। चलो आप आएंगे? चलो मैं भी आता हूँ। हम देखेंगे ना। अच्छा आप चला लोगे पक्का? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसको लगाएंगे विंडो पे, चलेंगे ये आराम से रखना पड़ता है, आराम से रखिए। अगले हफ्ते में ऐसा करेंगे। हाँ जी यहाँ से उठा के सीधा ऊपर लगाएंगे। अब इसको शिफ्ट करेंगे अगले हफ्ते ऊपर, ओके, ताकि सर पे ना लगे। पर अभी हाथ खराब था, फिर हमें जो है हाथ थोड़ा दर्द है, अभी सही हो गया। तब भी हम काम कर रहे हैं ये लोगों की सुविधा के लिए कर रहे हैं हम। पट्टी थोड़ी देर बाद पट्टी खोल लेते हैं। अंकल ड्रायर तो अंकल बताओ मेरा यूज कर रहे हो आप, पैसे कम करना पड़ेगा आपको। पैसे मत देना, पैसे कभी मांगे। चलो भैया एसी फाइनली डन, एसी की हवा भी खा रहे हैं अंकल। हाथ वो रखो ना इस पर, हाथ रखो, हाथ देखो बार बार बोल जाते हाथ रखना। तो गाइस ये जो एसी है, मैं सोच रहा हूँ कि इसका फिल्टर मैं खुद से साफ करूँ, तो ट्राई करके देखता हूँ। भी मैंने यूट्यूब पे देखा है कि यहाँ से खुल जाता है, और मतलब ये फिल्टर मैं निकाल कर उसे नॉर्मली साफ करके इसको साफ कर सकता हूँ। तो 90% एसी का काम यही है कि इसका हम फिल्टर साफ कर ले तो चलेगा बढ़िया, मतलब कूलिंग देगा। तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ खुद से, देखता हूँ हो पाता नहीं हो पाता। फिल्टर खराब हो गया, एक्चुअली फट गया है फिल्टर ये, तो सोच रहा हूँ चेंज करवा दो। ये फिल्टर ठीक है आई थिंक, हाँ ये भी टूटा हुआ है फिल्टर। तो एक एसी का मैंने फिल्टर क्लीन कर दिया और दूसरी एसी की बारी है, तो ये रहा वो एसी, इसका भी फिल्टर मैं क्लीन करूंगा। ये देख रहे हो धूल, इस एसी का फिल्टर कुछ यूनिक है, एल शेप में दोनों। डन, तो ये भी एसी डन, सो दोनों एसी डन हो चुके हैं। सो गाइस अभी बज रहे हैं 7 और मुझे जाना है प्रीति को लेने, क्योंकि प्रीति आज जाएगी अपने घर पे फरीदाबाद। सो उसको मैं ड्रॉप करूंगा मेट्रो स्टेशन, मैं नहीं जा रहा हूँ। सो चलते हैं प्रीति को मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करने के लिए। इस बैग में है क्या इतना मोटा मोटा बैग है? दो दिन के लिए जा रहे हो, बस दो दिन के लिए? इतना मेकअप क्यों करते हो यार है? इतना मेकअप कर करके बेचारा चिमसे हो गया, जादू लग रहा है जादू। चलो बाय। हाँ ऊपर देखो ऊपर। तो प्रीति को मैं मेट्रो स्टेशन छोड़ के आ चुका हूँ और उसको लगेगा लगभग 1.5 घंटे फरीदाबाद पहुँचने के लिए। तो तब तक हम करेंगे मौज। यस yes!